कितने टाइम पे ट्रांजेक्शन है। देंगे जैसे इसमें कोई जो फंस गया इस जाल में, वो जैसे ही पैसे निकालता है तो ऑटोमेटिकली एक दो दिन में या सेम टाइम इस अकाउंट से वो पैसे निकल जाते हैं, कैश करके यूज कर लिए जाते हैं। बाकी डिटेल बाद में शेयर कर ली जाएगी। सर चिट्टा तस्करों का हम देखते हैं कि जितने भी आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उसके आसपास ज्यादा मामले पकड़े जा रहे हैं, तो पुलिस द्वारा क्या स्पेशल टीमें वहां पर तैनात की गई आसपास नजर रखने के लिए? अभी तक कितने शिक्षण संस्थानों के आरोपी पकड़े हैं? देखिए सोलन का जैसे आपको पता है शिक्षण संस्थान ज़्यादा है, एजुकेशनल हब के नाम से फेमस है सोलन जिला हमारा, तो काफ़ी दूर दूर से बच्चे जो है यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, आउट ऑफ स्टेट भी आ रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री भी यहाँ पे बच्चे पढ़ने आ जा रहे हैं। तो हमारी जो खुफिया टीम है और लगातार थाने की गश्त भी है, थाने चौकियों की गश्त भी है, तो बेसिकली खासतौर पर जो चिट्टे के प्रति जो हमारा मुहिम है जो शुरू से चली आ रही है, जिससे हमारे हिमाचल प्रदेश के बच्चे यंग जनरेशन जो है बच सके, इसके लिए लगातार जो है हमारी टीम्स दिन रात अपने समय से खुफिया सूत्रों के आधार पर भी और पब्लिकली भी हमारे को काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, पब्लिक भी हमारे को इन्फॉर्मेशन दे रही है, तो हम लगातार काम कर रहे हैं ताकि इस जो है चिट्टे के व्यापार को और खासकर यंग जनरेशन को इससे बचाया जा सके। जो ये नया मामला बोल रहा है सर, इसमें कितने आरोपी गिरफ्तार किए? इसमें देखिए इनिशियली जिस दिन हमने रेड किया था तो दो आरोपी गौरव और राहुल सेम डे अरेस्ट किए थे, और फॉरवर्डिंग लिंकेजेस के आधार पे अनिकेत ठाकुर को नेक्स्ट डे अरेस्ट कर दिया गया था, और पिछले कल जो है बलजीत सिंह उर्फ बरार जो कि इसका मेन तस्कर था पंजाब से, उसको अरेस्ट करके लाया है। तो टोटल अभी तक इसमें चार व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो नाइजीरियन की काफी गिरफ्तारी की गई सर, तो कितने टोटल नाइजीरियन अभी तक? देखिए अभी तक इस साल जो है टोटल चार नाइजीरियन जो है नाइजीरियन को अरेस्ट किया गया है। फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन चल रही है अभी तक, कोई ऐसा केस है जो आपने इसके लिए दिया होगी? चलो अभी इस संदर्भ में हम डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे आपको, बट ये कि फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सर यदि धर्मपुर में जो कबूतरबाजी का मामला पकड़ा गया था उसमें गिरफ्तारी की, तो कितने और आरोपी है उस मामले में? देखिए इनिशियली इसमें 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर दिया गया था जिस दिन FIR रजिस्टर हुई, उसके बाद इनकी बैंक डिटेल्स, और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि इसमें 7 सिम कार्ड और 2 लैपटॉप हमें बरामद हुए थे, और 2 बैंक खातों की डिटेल, बैंक खातों के नंबर हमें पता चले थे, और टोटल इनका 700 लोगों के साथ इनका संपर्क था। ठीक है, तो अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन चली है। 4 लड़कियां जो हमारी लोकल लड़कियां थी उनको भी यहाँ इन्होंने एम्प्लॉयमेंट दी हुई थी, तो उनसे भी पूछताछ चल रही है कि कितने लोग इसकी गिरफ्त में आ चुके होंगे। अब जब हमें बैंक डिटेल्स मिल गई है और वो अक्यूज भी अरेस्ट हो गया, तो इससे फर्दर इन्वेस्टिगेशन में इजी रहेगा कि किस किसने इसमें पैसे डाले और कितने टाइम से चला। जो 700 बंदों के जो जिनके साथ इन्होंने ठगी की है वो इंडिया के है कि बाहर के है, और किन किन? नहीं, वो इंडियन भी है, फॉरन नेशन के भी है। यहाँ तो कॉल सेंटर था तो यहाँ पे कॉल रिसीव होती थी, और कॉल रिसीव होने के बाद जो भी डायरेक्शन देते थे तो इन 2 खातों में वो पैसे जमा कर लेते। कितने टाइम से चल रहा था ये? पिछले 4-5 महीनों से यहाँ पे कॉल सेंटर चल रहा था। और टोटल अभी तक चिट्टे के मामले में कितने लोग गिरफ्तार हो चुके? 196 टोटल 198 जो अक्यूज है वो अभी तक अरेस्ट कर दिए गए हैं, जिसमें 187 मेल है और 11 फीमेल्स है। थैंक यू।